हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रो मिरर। आज हम इस वीडियो में शकरकंद की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट जानते हैं। जैसे शकरकंद का खाए जाने वाला भाग रूपांतरित जड़ होता है। सेकंड पॉइंट, जिसका उपयोग खाने के साथ साथ स्टार्च तथा अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है। भारत में शकरकंद की खेती सबसे अधिक उड़ीसा में की जाती है। शकरकंद का छिलका सफेद, लाल, पीला व बैंगनी होता है तथा इसका जो गूदा होता है वह सफेद रंग का, लाल, पीला या नारंगी रंग का होता है। अब बात करते हैं इसका वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक नाम है आइपोमिया बटाटास। और इसका जो कुल है, इसका कुल है कोना वोलवुलेशी। और इसमें गुणसूत्र संख्या जो है 2n=90 पाया जाता है। अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो इसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। गर्म व नम जलवायु की फसल होती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि सबसे अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान 5.8 से 6.7 के मध्य होना चाहिए। अगर बात करें इसकी उन्नत किस्म की, तो जैसे पूसा सफेद, पूसा लाल, पूसा सुनहरी, श्री रत्ना, श्री भद्रा, श्री अरुण, श्री वरुण, श्री वर्धनी, श्री नंदनी और भी बहुत सारी हैं। अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक की। तो इसके लिए गोबर की जो खाद है 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी बीज मात्रा की। तो शकरकंद की बुआई के लिए बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। शकरकंद का प्रवर्धन लताओं के टुकड़ों से किया जाता है। इसके लिए 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी लताओं के टुकड़े को रोपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक हेक्टेयर के लिए 50 से 60 हजार टुकड़े की आवश्यकता पड़ती है, जिसका वजन लगभग 10 से 12 क्विंटल होता है। अगर बात करें इसकी रोपाई का समय जो है, इसकी रोपाई का समय जून जुलाई है। सिंचाई पर हम कुछ बात करते हैं। तो जैसे कुछ पॉइंट हैं, रोपाई के तुरंत बाद ही सिंचाई करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई 8वें दिन करनी चाहिए। यदि वर्षा ना हो तो सर्दी और गर्मियों की फसल में 8 से 10 सिंचाई 15 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। अगर बात करें खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो सबसे अच्छा होता कि निराई गुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए। अब रोग नियंत्रण की बात करते हैं। रोग नियंत्रण में काली सड़न, जैसा कि आप सब पिक्चर में देख रहे हैं, यह रोग मुख्यतः सिरेटो स्टोमेला फिम्ब्रिएटा नामक कवक के कारण होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कंदों पर 2.5% बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है उपज। तो तकरीबन एक हेक्टेयर में 130 क्विंटल से 150 क्विंटल हमारी उपज प्राप्त होती है।